दोस्तों इस वीडियो में हम बजाज फिनसर्व ईएमआई कार्ड या फिर जिसे हम कहें कि जीरो कॉस्ट ईएमआई के नाम से भी ये बहुत मशहूर है, इस वीडियो में हम इसका पूरा प्रोसेस देखेंगे कि कैसे हम घर बैठे बैठे अपने लिए बजाज फिनसर्व ईएमआई कार्ड या जिसे हम कहें कि जीरो कॉस्ट ईएमआई कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको एक बार स्क्रीन पर भी दिखा देता हूं, ये पूरा प्रोसेस मैं आपको समझाऊंगा, एक एक स्टेप बताऊंगा कैसे आप, मतलब क्या क्या पूरा प्रोसेस है पूरा बताऊंगा, लेकिन ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे वीडियो के अंत में। लेकिन उससे पहले जो कार्ड हम लेने जा रहे हैं उसके कुछ फीचर्स के बारे में तो हमें पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये मानना है, देखो डिवाइड है सब कुछ, बहुत सारे लोग मानते हैं कि एकदम बकवास है, बहुत चार्जेस लगाता है, मतलब आप जितने का ले रहे हो डेढ़ गुना चार्जेस लग जाएंगे। कुछ लोग कहते हैं कि बहुत अच्छा कार्ड है, जीरो कॉस्ट ईएमआई कार्ड है, बहुत शानदार है। तो इस वीडियो में मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा, प्रॉपर मैंने स्क्रीनशॉट्स लिए हैं, यानी एक व्यक्ति है जिन्होंने 21,000 रुपए का मोबाइल फोन परचेज किया और उनके पास पिछले एक साल से बजाज फिनसर्व का जीरो कॉस्ट ईएमआई कार्ड भी है, तो उनके फोन से मैंने प्रॉपर स्क्रीनशॉट्स लिए हैं, उनका एसओए निकाला है यानी स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट निकाला है कि कितने कितने पैसे कट रहे हैं, बजाज ने कितनी ईएमआई बोली थी और कितनी ईएमआई उनकी कट रही है, कि भाई प्रॉपर एकदम पूरा एनालिसिस किया कि क्या कोई एक्स्ट्रा पैसा कट रहा है या नहीं कट रहा। तो एकदम जैसे होता है ना कि हवा में कोई बात नहीं करेंगे, प्रॉपर मैं आपको स्क्रीनशॉट्स दिखाऊंगा, स्टेटमेंट के दिखाऊंगा, फिर आप डिसाइड करना कि आपको क्या लगता है ये कार्ड अच्छा है या नहीं है। अगर अच्छा लगता है तो वीडियो के अंत में हम पूरा प्रोसेस तो देखेंगे कि कैसे इसको घर बैठे बैठे हम अप्लाई कर सकते हैं। तो पूरा एकदम पहले समझ लेते हैं कि बेसिकली बजाज फिनसर्व ईएमआई कार्ड है क्या। देखो अगर मान लो मेरे पास बैंक का, किसी भी बैंक का मान लो, ठीक है बजाज को छोड़ दो, एक बार मान लो मेरे पास किसी भी बैंक का एक क्रेडिट कार्ड है, ठीक है जी, मान लो मेरे को फोन खरीदना एक 10,000 रुपए का, ठीक है जी, तो ठीक है 10,000 का फोन खरीदना है। अब यहां पे मैं चाहता हूं कि जो मैं 10,000 का फोन खरीद रहा हूं ना, इसकी ईएमआई बन जाए, तो मैं मान लो बैंक के क्रेडिट कार्ड से अगर पेमेंट करता हूं तो ईएमआई तो बन जाएगी, लेकिन बैंक मेरे को क्या बोलेगा कि मैं इसके लिए आपसे चार्जेस मांगूंगा, यानी कुछ चार्जेस काटेगा ईएमआई बनाने के लिए, ठीक है जी। लेकिन बजाज फिनसर्व का ये जो क्रेडिट, ये बजाज फिनसर्व का जो ये कार्ड है ये क्या कहता है, मान लो मेरे को मोबाइल फोन खरीदना है 10,000 रुपए का, ये बोलता है कोई चक्कर नहीं है ईएमआई बना लो, ईएमआई के मैं आपसे कोई पैसे लूंगा ही नहीं। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो 10,000 का फोन है तो ये कहेगा भाई 4 किश्तें तो कर दो मेरे को डाउन पेमेंट, यानी मान के चलो 1,000 रुपए ही किश्त है, तो 4,000 रुपए तो ये कहेगा मेरे को डाउन पेमेंट कर दो सीधा पहली बारी में, और बाकी मैं आपकी ना 6 किश्तें बना दूंगा 1,000 रुपए की, ठीक है, और 6 किश्तें 1,000 की बनेगी, यानी 6,000 मुझे यहां देने होंगे। तो यानी जितने का फोन है मुझे बजाज को उतने ही पैसे देने हैं, यानी आप समझो कि ईएमआई भी बन गई, किश्तों में भी मैंने पैसे दिए और कोई इंटरेस्ट भी नहीं लगा। लेकिन काफी लोगों का सवाल फिर यह भी आता है कि भाई एक बात बताओ, बजाज किश्तें भी बना रहा है आपसे एक एक, मतलब जो भी मान लो जो भी किश्तों में ईएमआई भी बना के दे रहा है और कोई चार्ज भी नहीं ले रहा, तो बजाज कहाँ से पैसे कमाता है भाई? बजाज का ऑफिस भी है, बजाज फिनसर्व के एम्प्लॉय भी हैं, ऑफिस में एसी भी लगे हैं, ऑफिस में पानी भी आता है, 100 तरह के खर्चे हैं, पेपर भी चलता है, A4 साइज पेपर भी यूज करते होंगे, प्रिंटर भी होगा, कंप्यूटर भी होगा, ये भी इतने सारे खर्चे, इनका पैसा कहाँ से निकलता है अगर इतनी समाज सेवा अगर बजाज कर रहा है तो देखो अब यहाँ पे भी मैं आपको इस पूरी कहानी में एकदम बताऊंगा कि जब ये व्यक्ति अपना मोबाइल फोन खरीदने गए, ठीक है, मैं आपको पूरी एकदम स्टोरी बताऊंगा कि तब क्या हुआ और कितनी, फिर बाद में मैं आपको इनकी स्टेटमेंट भी दिखाऊंगा, ठीक है जी। तो फोन जब आपसे आपको एकदम प्रैक्टिकल, जब ये दुकान पे गए तो कैसा एम्प्लॉय आया और कितने कितने पैसे लिए और सारी चीजें, ठीक है। जो इन्होंने मोबाइल फोन परचेज किया वो था 20,999 रुपए का, ठीक है जी। अब 20,999 का मोबाइल फोन था, तो क्या हुआ कि जब ये मोबाइल खरीदने गए तो दुकान वाले ने बजाज फिनसर्व के एम्प्लॉय को बुला लिया। तो जब बजाज फिनसर्व का एम्प्लॉय आया तो उसने कहा कि ठीक है भाई 20,999 रुपए, ये मार्केट वैल्यू, अगर मान लो आपके पास ये कार्ड नहीं है तो आपको 20,999 रुपए कैश देने होंगे, ठीक है, अगर वो फोन खरीदने। तो बजाज फिनसर्व का एम्प्लॉय आया, उसने कहा कि 1,750 रुपए की किश्त बनेगी और 4 किश्तें तो आपको डाउन पेमेंट के तौर पर देनी होगी, यानी 1,750 × 4 ये आपके हो गए 7,000 रुपए, ठीक है जी, ये तो आपको डाउन पेमेंट करनी है अभी करनी होगी, ठीक है जी। उसके बाद उस एम्प्लॉय ने कहा कि बाकी 1,750 रुपए की आपको 8 किश्तें बाद में भरनी पड़ेगी हर महीने, ठीक है, तो ये हो गए आपके 14,000 रुपए, यानी कुल मिला के वही 20,999 का फोन है, यानी एक तरह से 21,000 रुपए का ही फोन हो गया और 21,000 रुपए ही आपको भरने हैं। सॉरी 21,000 रुपए ही आपको भरने, यानी एक तरह से कस्टमर की तो मौज है कि 8 किश्तों में भी पैसा देना है और कोई ब्याज भी नहीं देना, ठीक बात है। लेकिन एक चीज आप बहुत ध्यान से समझना, आप हुआ क्या, ठीक है, जैसे ही दुकान पे वो, मतलब दुकानदार ने बजाज फिनसर्व के एम्प्लॉय को बुलाया, दुकानदार ने मोबाइल भी खोल लिया, दुकानदार का तो खैर कोई रोल ही नहीं है ऑलमोस्ट, मोबाइल जब होता है ना कि बजाज फिनसर्व वाला बंदा साथ में खड़ा है, वो अपना पूरा प्रोसेस अप्लाई कर रहा है, आपका पैन कार्ड बता दो जी, आपका नाम बता दो जी, ये सारी की सारी चीजें, ठीक है जी। तो जब ये सब कुछ अप्लाई कर रहा था ना, ऑलमोस्ट जब एक इंसान होता है ना कि हाँ अब तो फोन खरीद ही लिया भैया, तो प्रोसेस हो ही गया, उस एन मौके पे बजाज फिनसर्व का एम्प्लॉय ये बोलता है कि भाई आपको अपने लिए ना एक लाइफ इंश्योरेंस लेना पड़ेगा बजाज से,
अदरवाइज ये लोन सेंक्शन में नहीं कर पाऊंगा, यानी अदरवाइज ये फोन आप नहीं ले सकते, ये बजाज लोन सेंक्शन नहीं करेगा। अब हुआ क्या, अब देखो और इंटरेस्टिंग बात, जो ये व्यक्ति थे ना, इन्होंने ये कहा कि मेरे पास ऑलरेडी 25 लाख रुपए का लाइफ इंश्योरेंस है पड़ा, मतलब उन्होंने आईसीआईसी बैंक से 25 लाख का लाइफ इंश्योरेंस ले रखा था। तो उन्होंने कहा ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास है पड़ा लाइफ इंश्योरेंस, मैं आपको वो दे देता हूँ, भी कल को अगर मुझे कुछ हो गया आपको ये भाई, उन्होंने यही कहा कि बजाज वाले बंदे को कि अगर मुझे कल को कुछ हो गया तो आपकी कंपनी को यही डर है ना कि भाई मेरा परिवार पैसे दे भी पाएगा या नहीं दे पाएगा, तो इसीलिए आप लाइफ इंश्योरेंस मांग रहे हो ना। तो उसने कहा कोई बात नहीं, मेरे पास 25 लाख का ऑलरेडी है, आप उसका फोटो ले लो, कोई दिक्कत नहीं। तब ये बजाज एम्प्लॉय वाला बंदा जो है ये मुकर गया, ये कहता है कि कोई बात नहीं, आपको अब जो है ना प्रोडक्ट इंश्योरेंस लेना पड़ेगा फिर, यानी जो आप 21,000 रुपए का मोबाइल फोन खरीद रहे हो ना, इसका इंश्योरेंस करवाना पड़ेगा और ये इंश्योरेंस होएगा 4,000 रुपए का। वो कहता है कोई बात नहीं, 4,000 रुपए जो है ना मैं आपकी किस्तों में एडजस्ट कर दूंगा भाई, 1,750 की जगह 1,900 कुछ रुपए की आपकी महीने की किस्त बन जाएगी। उन्होंने कहा भाई मुझे नहीं चाहिए भाई, आपका फोन जो मैं फोन खरीद रहा हूं मुझे उसका इंश्योरेंस नहीं चाहिए। भाई बजाज फिनसर्व का जो बंदा है वो एकदम ऐसा हो गया कि भाई कुछ तो खरीदना ही पड़ेगा इसके अलावा, अदरवाइज ये आपको जो फोन के ऊपर जो हम कार्ड पे लोन दे रहे हैं ये हम नहीं दे पाएंगे। यानी ये क्रॉस सेलिंग है, समझो आप बात को, ये क्रॉस सेलिंग बजाज करता है और एन मौके पे करेगा जब दुकानदार भी ऐसा ब्लेड लेके खड़ा होता है ना, खोल दूं, जब आप खुशी मना चुके होते हो अंदर से, और 99% लोग क्या कहते हैं चल कर दे यार, 200 रुपए महीने की, 300 रुपए महीने की किश्ती तो बढ़ेगी। भाई वो 300 रुपए महीना किश्त है, 8 महीने आपको किस्तें भरनी है तो 8×24,000 रुपये हो गए। तो ऐसी ये गेम खेलते हैं। दूसरी चीज, दूसरा बजाज देखो, अब ये जो बजाज का एम्प्लॉय आ रहा है ना, इसके सर पे प्रेशर है किस चीज का, क्रॉस सेल करने का, तो आपको कुछ ना कुछ तो ये बेच के जाएगा ही, ठीक है। अब इन व्यक्ति के साथ क्या हुआ कि जो दुकानदार था ना वो इन व्यक्ति का बहुत क्लोज नोन बंदा था, तो दुकानदार ने बड़ी मुश्किल से अपनी एक तरह से जान पहचान वो बजाज वाले बंदे के साथ थी, तो उसको बड़ी मुश्किल से मनाया कि कुछ ना बेच, अदरवाइज वो बजाज वाला बंदा शायद हो सकता है कि लोन कैंसिल करके जरूर चला जाता लेकिन कुछ ना कुछ बेच के जरूर जाता, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है जी। उसके अलावा बजाज कहां से पैसा कमाता है, देखो जब आपका ये ईएमआई कार्ड बन जाएगा और आप कोई ना कोई लोन लोगे तो ये सारा लोन लेना वापिस पैसा भरना ये सब कुछ ना बजाज की ऐप पे होता है, ठीक है। ये आपको बजाज की ऐप डाउनलोड करनी ही पड़ेगी, तभी तो आपको पता लगेगा कि चलो लोन ले लिया, कितनी किस्तें मैंने भर दी, कितना लोन पेंडिंग है। अब ये जो बजाज की ऐप है इसके अंदर भी बहुत सारे थर्ड पार्टी के प्रोडक्ट्स है, लाइफ इंश्योरेंस, एसआईपी स्टार्ट कर लो, फलना ठिमकना, बहुत सारे प्रोडक्ट है। अब बंदा क्या है कि ये ऐप चला रहा होता है तो इनमें से भी कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स परचेज कर लेता है, तो ये भी फिर बजाज की इनकम हो जाती है, तो बजाज कुछ इस तरीके से पैसे कमाता है, ठीक है जी। अब इसके बाद जो बजाज का हम कार्ड बनाएंगे, ये जो कार्ड है इसकी फीस रहेगी 530 रुपए। अब 530 रुपए ऐसे रहेगी कि वैसे तो फीस 449 रुपए प्लस 18% जीएसटी लगता है, तो ये जो कार्ड की फीस है ये आपको वन टाइम जब आप कार्ड बनाओगे यानी कार्ड के लिए जब आप अप्लाई करोगे तो आपको 530 रुपए वन टाइम फीस पे करनी पड़ेगी। उसके बाद हर साल ये एनुअलाइज्ड फीस भी लगाएगा, मतलब मान लो आज 530 रुपए मेरा कार्ड बन गया, अब एक साल के बाद जो एनुअल फीस लगेगी वो लगेगी 117 रुपए, ठीक है जी। अब यहां पे जो लोग कहते हैं ना कि बजाज से मतलब बहुत पैसे काटता है, वो इसलिए कहते हैं, देखो मान लो 1 जनवरी को मैंने फोन खरीद लिया, ठीक है, इन्हीं का ही एग्जांपल ले लेते हैं, तो 1,750 रुपए की इनकी एक किस्त थी, ठीक है जी। तो मान लो पहली किस्त इन्होंने भरनी थी 1 फरवरी को, अगर मान लो ये 1 फरवरी को 1,750 रुपए अपने अगर अकाउंट में रखते हैं, ठीक है, और अकाउंट से ऑटोमेटिकली बजाज के पास चले जाते हैं तो कोई भी पेनल्टी नहीं लगेगी। मान के चलो 1 तारीख को इनके अकाउंट में बैलेंस 1,500 रुपए है और 1,750 रुपए मतलब बजाज फिनसर्व ने काटे, तो 1,750 रुपए अकाउंट में थे ही नहीं, तो ये क्या हो गया, बाउंस हो गई ईएमआई। तो उस केस में तो इतनी भारी पेनल्टी लगाएगा बजाज फिनसर्व, आप अंदाजा भी लगा सकते हैं, यानी दूसरे क्रेडिट कार्ड भी नहीं लगाते, यानी बैंकों के क्रेडिट कार्ड भी इतनी पेनल्टी नहीं लगाते जितना बजाज लगाते हैं। लेकिन देखो हर चीज, अब मान के चलो बजाज है भाई, आपको एक बात हो, ईएमआई भी बन रही, ठीक है जी, आप ईएमआई में पैसा भी दे रहे हो और कोई ब्याज भी नहीं लग रहा, तो देखो कितना फैंटास्टिक एक तरह से आप कह सकते हो कि इसका ये फीचर है, कितना फायदा है आपको। भाई आप खुद सोच के देखो, 20,000-50,000 रुपए की कोई भी चीज, आपको घर के लिए एसी लेना है, कोई फ्रिज लेना है, आप आसानी से लो किस्तों में पैसा भर दो, पता भी नहीं लगता। एक सैलरीड बंदा है, मान लो उसकी 50,000 रुपए सैलरी है, 50,000 रुपए का ही उसे मान के चलो कोई बढ़िया सा फ्रिज चाहिए, ठीक है, अब वो किस्तें बनवा लेता है मान लो 3,000-4,000 रुपए की, ठीक है जी, और उस किस्तों के ऊपर उसे ब्याज भी नहीं देना, तो उसके लिए कितना ईजी हो गया, कितना ईजी हो गया उसके लिए कि हर महीने 2-3,000 रुपए अगर वो दे भी देता है तो उसकी सैलरी भी उसको जोर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मान लो आप गलती से किसी भी महीने
अपनी किस्त टाइम पे नहीं भर पाते तो ये आपके ऊपर 500 रुपए तो पेनल्टी इंपोज करेगा ही करेगा, ये तो फिक्स्ड ही है। प्लस मान लो आपकी किस्त 5000 रुपए की थी तो 5000 का 3.5% ठीक है ये और लगाएगा, यानी ये अब हर महीने लगाएगा। ये 3.5% मंथली इंटरेस्ट है, आप खुद सोच के देखो बहुत ज्यादा है, यानी 3.5 मंथली हो गया तो साल का कर लो 3.5 से मल्टीप्लाई, यानी 12×3=36 और 6 ये हो गया 42% साल का इंटरेस्ट हो गया। यानी 500 रुपए तो हर बार ठोकेगा ही ठोकेगा, प्लस 42% साल के हिसाब से आपके ऊपर इंटरेस्ट थोप देगा एक तरह से। तो बजाज फिनसर्व अगर आप कार्ड ले रहे हो तो हमेशा ये ध्यान रखना कि जो भी किस्त है हमेशा आपको टाइम पे भरनी। अच्छा, इसके अलावा ना क्या होता है, जब आप ये बजाज कार्ड को अप्लाई करते हो तो होता ये है कि ये ना आपसे ई मैंडेट मांगता है। ई मैंडेट का मतलब ये है कि ये बजाज कार्ड है, ठीक है। अब मान लो आपने इससे फ्रिज खरीद लिया, फ्रिज की वैल्यू थी 50,000 और मान के चलो आपने कुछ डाउन पेमेंट कर दी, 10,000 डाउन पेमेंट कर दी और 40,000 रुपए आपके बच गए। मान लो कि 4,000 रुपए की 10 किस्तें बन गई, ठीक है जी, 10 किस्तें बन गई। अब ये थोड़ी कि आप बजाज के पास ऑफिस में जाओगे और कैश जमा करोगे, तो बजाज वाला ये कहेगा कि आपका जो जिस भी बैंक में सेविंग्स अकाउंट है, जैसे सपोज करो कि आपका आईसीआईसीआई बैंक में सेविंग्स अकाउंट है, तो ये कहेगा कि अपना आईसीआईसीआई बैंक हमारे साथ लिंक कर दो और आपके अकाउंट से ही हम ऑटोमेटिकली हर महीने 4,000 रुपए काट लेंगे। इसका मतलब होता है ई मैंडेट, ठीक है जी। अब उसके बाद मैं आपको दिखाता हूं स्क्रीनशॉट्स। ये स्क्रीनशॉट है उस व्यक्ति के जिन्होंने मोबाइल फोन अभी परचेज किया था, ठीक है। मैंने आपको अभी बताया कि 20,999 रुपए का जो है अपना मोबाइल फोन था, उसके अंदर चार जो किस्तें थी वो डाउन पेमेंट करी उन्होंने, जैसे 1750 की चार किस्तें डाउन पेमेंट, यानी जिस दिन फोन खरीद रहे थे उसी दिन ही ऐप से चार किस्तों के पैसे भर दिए, ठीक है। तो डाउन पेमेंट 7,000 रुपए हमने कर दी। उसके बाद 8 किस्तें बनी उनकी जो उनको हर महीने देनी है, ये किस्तें बनी 1750 रुपए की। अब इस स्टेटमेंट में हम ये देखते हैं कि क्या हर महीने 1750 रुपए ही कट रहे हैं या फिर 1750 से ज्यादा पैसे कटे, ठीक है। अब यहां पर देखो, ये 7,000 रुपए आपको दिख रहे हैं, ये तो हो गई डाउन पेमेंट, यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है, ठीक है, एकदम प्रूफ के साथ मैं आपको बता रहा हूं ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो और कोई इतना डीप में आपको नहीं समझाएगा। अब इस एफर्ट्स के लिए अगर आपको लगता है कि सच में आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि मुझे भी थोड़ी मोटिवेशन मिले इसी तरह डीप एनालिसिस करके वीडियोस बनाने का, ठीक है जी। अब यहां पे देखो इनकी जो ये स्टेटमेंट है, 7,000 रुपए तो हो गए डाउन पेमेंट, ठीक है। अब पहली किस्त आ गई, ये कटी 1750 रुपए की पहली किस्त में इन्होंने 117 रुपए, सॉरी ये काफी छोटा लिखा हुआ है तो मेरे को प्रॉब्लम हो रहा है, तो 1750 रुपए तो काटे ही पहली बार, प्लस में 117 रुपए काटे, प्लस पहली बारी में ये 46 रुपए और काट लिए, ठीक है। लेकिन अब देखो, ठीक है जी, पहले महीने क्या हुआ, कटने चाहिए थे 1750 रुपए, लेकिन कितने कटे, 117 रुपए प्लस ये 46 रुपए, ये एक्स्ट्रा काट लिए जो हम जिसके बारे में हमें पता ही नहीं था, ठीक है जी। उसके बाद अगला महीना आया, अगले महीने में यहां पे फिर दोबारा 1750 कटे, उसके अलावा जीरो कटा, कुछ नहीं कटा, ठीक है। उसके बाद तीसरा महीना आया, यहां पे भी 1750 कटे, फिर जीरो कटे, ठीक है। अब समझो ये पहले महीने एक्स्ट्रा पैसे क्यों काटे गए, यहां पे देखो क्लियरली, जब आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे वहां पे भी लिखा हुआ है मैं आपको सॉरी थोड़ी मेरी तबीयत खराब है, यहां पे देखो क्लियरली लिखा भी हुआ है कि 117 रुपए सिर्फ पहली किस्त में कटेंगे, ऐसा नहीं कि हर बार कटेंगे, सिर्फ पहली किस्त में 117 मतलब पहली किस्त में, ये बोलता है कि जितने की भी आपकी किस्त है, मतलब इसमें इस केस में 1750 की किस्त थी तो 1750 में 117 रुपए एक्स्ट्रा कटेंगे, प्लस ये 117 रुपए है ना कन्वीनियंस फीस है, ठीक है जी, ये सिर्फ पहली किस्त में कटेंगे, उसके बाद नहीं कटेंगे। और पहली किस्त में ही ये जो सिबिल, एक तरह से ट्रांस यूनियन सिबिल की फीस इन्होंने काटी है, ये 46 रुपए काटी है। तो आप बस ये मान लो जो आपकी पहली किस्त है उसमें 117 रुपए प्लस 46 रुपए कटेंगे, उसके बाद अगर आप टाइम पे किस्तें भर रहे हो तो जितनी आपकी किस्त है सिर्फ वही पैसे कटेंगे। देखो इसको छोड़ दो, ये 7,000 रुपए कटे, फिर एक बार के लिए इसको छोड़ दो, ये जो एक्स्ट्रा पैसे कटे इसको भूल जाओ, उसके बाद देखो यहां पे 1750 कटे, यहां पे भी 1750 कटे, यानी इसके बाद आपकी सिर्फ किस्तें ही कटेंगी। और मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि अगर आप टाइम पे ईएमआई नहीं भरोगे फिर तो भूल जाओ, फिर तो कहानी खराब है, मतलब आपको दबा के एक तरह से पेनल्टी ठोपेगा। लेकिन अगर टाइम पे ईएमआई भर रहे हो तो इस जैसा कोई कार्ड नहीं है। अच्छा, इसके अलावा एक चीज और बताता हूं, बहुत सारे लोग ना क्रेडिट कार्ड्स बैंक के बनवाते हैं जिनका सिविल स्कोर थोड़ा बहुत खराब होता है, तो उस केस के लिए मैं आपको बता दूं कि ये जो बजाज फिनसर्व का कार्ड है ना, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है कि ये बन ही जाता है, मतलब ऑलमोस्ट आपको कुछ ना कुछ लिमिट मिल ही जाएगी। जैसे ये जो व्यक्ति थे इनका सिविल स्कोर थोड़ा बहुत ना खराब था, इनका बहुत पुराना कोई एक वो था, मतलब थोड़ा बहुत सिविल में प्रॉब्लम था, इनको भी 75,000 रुपए की एक तरह से लिमिट दे दी,
मतलब बजाज फिनसर्व ने। अब उसके बाद ये रैंडम इससे शॉपिंग करते हैं, कुछ ना कुछ सामान खरीदते हैं, टाइम पे भर देते हैं सारा का सारा पैसा, तो धीरे धीरे इनका फिर सिबिल भी इंप्रूव होना शुरू हो गया। तो अच्छा है, आप ले सकते हो। लेकिन हाँ, एक चीज और ध्यान रखना, मिनिमम एज 21 ईयर्स है अगर आप इस बजाज फिनसर्व के कार्ड को अप्लाई करना चाहते हो तो। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी। बस अब एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे आप घर बैठे बैठे बजाज फिनसर्व के ईएमआई कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब बजाज फिनसर्व ईएमआई कार्ड अप्लाई करने का जो लिंक है वो मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। जैसे उस लिंक पर आप क्लिक करोगे, आप सीधा सीधा बजाज फिनसर्व की ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच जाओगे और कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके आगे दिखाई देगा। अब यहां पर सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, जो भी मोबाइल नंबर आप बजाज फिनसर्व के साथ रजिस्टर करवाना चाहते हो। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद नीचे आपको गेट इट नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर जो भी आपने पीछे मोबाइल नंबर एंटर किया था उस मोबाइल फोन पर एक ओटीपी भेजा जाएगा वेरिफिकेशन के लिए। वो ओटीपी आपको यहां पर एंटर करना है और फिर सबमिट ओटीपी के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर आपको अपनी कुछ बेसिक डिटेल्स एंटर करनी है, जैसे सबसे पहले आपको अपना फुल नेम एंटर करना है, फिर आपको अपना पैन कार्ड का नंबर डालना है, फिर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है, उसके बाद आपको जहां पे भी आप रहते हो रेजिडेंशियल जो भी आपका एरिया वहां का पिन कोड एंटर करना है, फिर आपको अपना एम्प्लॉयमेंट टाइप सेलेक्ट करना है, जैसे कि आप सैलरीड हो या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हो। उसके बाद आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद नीचे डिस्क्लेमर दिखा रहा है और फिर नीचे आपको सीधा प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद ये एक तरह से फेच करेगा आपके पैन कार्ड से कि बजाज फिनसर्व आपको ज्यादा से ज्यादा कितनी एक तरह से लिमिट दे सकते हैं। तो जैसे ही ये फेच पूरा कंप्लीट कर लेगा तो आपको यहाँ पर आपके पेज पर दिखाई देगा कि कितनी मैक्सिमम लिमिट आपको मिली है। तो यहाँ पे जो भी लिमिट आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगी आपको नीचे सिंपली प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर ये आपसे आपकी कुछ केवाईसी की डिटेल्स मांगेगा और यहाँ पे आपका जो एड्रेस है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे लिखा हुआ एक तरह से आ जाएगा। तो आपको सिंपली नीचे कन्फर्म के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर ये शो करेगा जो भी लिमिट आपको इसने सैंक्शन की है। तो जो भी लिमिट दिखा रहा होगा आपकी स्क्रीन पे आपको दिख जाएगी, जितनी भी मैक्सिमम लिमिट आपको मिली होगी। उसके बाद सिंपली नीचे ये भी दिखा रहा है कि ₹530 फीस है इस एक तरह से बजाज फिनसर्व जीरो कॉस्ट ईएमआई कार्ड को बनवाने के लिए। तो यहाँ पे वन टाइम फीस है। उसके बाद जो एक साल के बाद एक तरह से एनुअल फीस लगेगी वो लगेगी ₹117। तो सिंपली आपको नीचे पे नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर ये अलग अलग पेमेंट के ऑप्शन दिखा रहा है, तो आप किसी भी पेमेंट मोड से अपनी पेमेंट कर सकते हो ₹530 की। उसके बाद सिंपली नीचे आपको यहां पे नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर नेक्स्ट पेज पर ये आपको ले जाएगा, आपनी पेमेंट करने के बाद सक्सेसफुली एक तरह से ये आपको मैसेज दिखाएगा कि आपकी पेमेंट सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी है। आप पेमेंट सक्सेसफुली कंप्लीट होने के बाद नीचे आपको ये दिखा रहा है कि अपनी ई मैंडेट को आप एक्टिवेट करो। तो सिंपली आपको नीचे एक्टिवेट नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करना है। एक्टिवेट नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज पर आप ई मैंडेट का ऑलरेडी मैंने आपको मतलब समझाया था कि ई मैंडेट का मतलब यही है कि जो भी आपकी किश्तें बनेगी, कोई भी सामान अगर आपने बजाज से खरीदा तो जो भी किस्तें बनेगी वो ऑटोमेटिकली आपके सेविंग्स अकाउंट से कटती रहे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट पेज पर अपना सेविंग्स अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, तो ये मतलब एक तरह से सिक्योरिटी रीजन की वजह से सारा कुछ मैंने ब्लर कर दिया। तो यहाँ पे आपको अपने अकाउंट डिटेल्स एंटर करने हैं। तो ये सारा कुछ एंटर करने के बाद आपका जो ई मैंडेट है वो सक्सेसफुली एड हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा, यहाँ पर नीचे आपको मतलब एक तरह से बस चेकबॉक्स पर सेलेक्ट करना है। चेकबॉक्स पर टिक करने के बाद नीचे आपको कंफर्म के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद जो भी ये सारे स्टेप्स थे ये यहीं पर ही खत्म हो जाएंगे। अब आपका जो कार्ड है वो सक्सेसफुली आपने अप्लाई कर लिया है, ई मैंडेट भी आपकी एक्टिवेट हो चुकी है। अब इसके बाद आपको बजाज फिनसर्व की ऐप डाउनलोड करनी है प्ले स्टोर में जाके आपको इसी मोबाइल नंबर से उस ऐप को लॉग इन करना है, एम पिन सेट करना है। आपकी ऐप के अंदर ये दिखाएगा आपका बजाज ईएमआई का कार्ड। ठीक है, उसमें ही कार्ड नंबर लिखा होगा, सब कुछ लिखा होगा, क्रेडिट लिमिट भी लिखी होगी। तो जब भी इसके बाद आप कोई भी सामान परचेज करते हो अगर बजाज ईएमआई कार्ड से, तो आपको बस ये कार्ड नंबर दिखाना है बजाज के बंदे को, मतलब जो भी एम्प्लॉय आएगा अगर आप ऑफलाइन दुकान पे जाके खरीदते हो। अगर आप ऑनलाइन बजाज इस कार्ड को यूज करना चाहते हो अमेजोन वगैरह पे, तो एक चीज ध्यान रखना कि ये जो बजाज का कार्ड होता है, इस कार्ड का कोई भी सीवीवी नंबर नहीं होता। तो जब भी आप कभी अमेजोन से भी सामान अगर खरीदते हो तो उस केस में ये मत मतलब इस चीज का मत डर लेके आना कि इसमें सीवीवी नंबर तो लिखा ही नहीं हुआ। तो जब भी आप अमेजोन से अगर कोई भी सामान इस बजाज कार्ड से खरीदोगे तो वो आपसे कार्ड नंबर जैसे ही आप डालोगे ना तो आपसे सीवीवी नंबर मांगेगा ही नहीं। ठीक है, तो इस चीज में आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। तो ये था एक छोटा सा एनालिसिस बजाज ईएमआई कार्ड के ऊपर। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी बजाज ईएमआई कार्ड का अप्लाई करने का जो लिंक है वो मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। आप अपनी सूझबूझ से अगर आपको लगता है कि आपके लिए अच्छा है तो अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज आप इसे इग्नोर भी कर सकते हो। तो अभी के लिए दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू ऑल।